जानिए क्या था भारतीय सिनेमा इंडस्ट्री के बेताज बादशाह दिलीप कुमार के जीवन का राज, क्या था दिलीप कुमार का असली नाम, क्यों कहा जाता था उन्हें बॉलीवुड का ट्रेजेडी किंग। नमस्कार दर्शकों, आपके अपने चैनल पीएमएस मीडिया की बॉलीवुड से जुड़ी खबरों में आपका बेहद स्वागत है। इस तरह की ताजी तरीन खबरें अपनी स्क्रीन पर एक अलग ही अंदाज में पाने के लिए हमारे चैनल पीएमएस मीडिया को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन के लिए प्रेस कर दीजिए बेल आइकन। दिलीप कुमार बॉलीवुड के एक ऐसे सितारे थे जिसकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन सवाल ये है कि क्या बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो चलिए यहाँ हम लेकर आए हैं आपके इस सवाल का जवाब। दिलीप कुमार की जिंदगी से जुड़े ऐसे अनकहे किस्से जिन्हें कोई शायद ही जानता है। दरअसल दिलीप कुमार का असली नाम कुछ और ही था। दिलीप कुमार का असली नाम मोहम्मद यूसुफ खान है। ये नाम परिवर्तन उन्होंने देविका रानी के कहने पर किया। बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग ने अपना नाम यूसुफ खान से बदलकर दिलीप कुमार कर लिया। दिलीप कुमार ने सबसे ज्यादा पुरस्कार हासिल करने के बाद खुद का नाम गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज करा रखा है। साथ ही साथ पहला फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड भी वो अपने नाम कर चुके हैं। बहुत से कम लोग इस बात से वाकिफ हैं कि दिलीप कुमार ही बॉलीवुड के सबसे पहले खान हैं। दिलीप कुमार का जन्म 11 दिसंबर 1922 में हुआ था, जिसके बाद उनका करियर 6 दशक तक चला, जिसे देखते हुए इंडियन सिनेमा इंडस्ट्री ने उनके बहुमूल्य योगदान को देखते हुए भारतीय सरकार ने उनको सम्मानित किया और पाकिस्तान सरकार ने भी अपने सबसे उच्चतम राष्ट्रीय नागरिक सम्मान निशान इम्तियाज से दिलीप कुमार को सम्मानित किया। यूं तो उनकी सभी फिल्में लाजवाब थी, लेकिन कुछ फिल्में जैसे कि नया दौर, देवदास, इंसानियत और आजाद ने समाज में एक अलग ही उदाहरण के तौर पर काम किया। ये बिल्कुल भी नहीं था कि हमेशा से दिलीप कुमार की फिल्में चलती आ रही हैं। मशहूर फिल्म मुगले आजम में सलीम का किरदार निभाने से पहले उनकी बहुत सी फिल्में ऐसी भी थी जिन पर लोगों की निगाह ही नहीं पड़ी। फिर जुगनू में जब दिलीप कुमार और नूरजहां की जोड़ी नजर आई तो लोगों ने फिल्म को खूब सराहा और वहीं से दिलीप कुमार की कामयाबी का सिलसिला शुरू हो गया। उन्होंने अपनी आखिरी फिल्म 1998 में रिलीज हुई किला की थी, जिसमें उन्होंने डबल रोल अदा किया था। तो चलिए ये थे दिलीप कुमार की जिंदगी की किताब से कुछ ऐसे अनपढ़े पन्ने जिन्हें शायद ही आप जानते होंगे। इसी के साथ दीजिए बॉलीवुड खबरों से इजाजत, फिर हाजिर होंगे जल्द ही ऐसी खास जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।